दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के भी बटन्स उल्टी हो चुकी हैं तो उन्हें आप ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे फ़ोन की बटन्स उल्टे हो चुके हैं। इसे मैं सीधा करूँगा इस वीडियो में और आपको सोल्यूशन बताऊँगा कि इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर अपनी उल्टी बटन्स को सीधा कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर मेरे मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं मेरा जो बटन्स हैं ये उल्टे हो चुके हैं। इसी को मैं सीधा करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। अभी आप स्क्रीन पर एक फोटो देख सकते हैं, इस फोटो में जो बटन तीनों आपको दिख रहे हैं ये बटन सीधे हैं, ये ठीक तरीके से हैं अपनी जगह पर। तो इसी टाइप से मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ऐप को ओपन करने के बाद आपको लॉक स्क्रीन और यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है इस टाइप से, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आएगा सिस्टम नेविगेशन, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे पर टिक मार्क लगा हुआ है देख सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ ऊपर वाले पर टिक मार्क लगा देना है। जैसे ही आप ऊपर पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो बटन है ये सीधे हो चुके हैं। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसे ठीक करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बैक जाता हूँ यहाँ से। बैक आने के बाद फिर से आपको सेटिंग ऐप को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपके टाइप करना है सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इसी को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आ जाएगा, इसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं मैं उस पेज पर आ चुका हूँ जहाँ से मैं अपनी बटन को सीधा कर सकता हूँ। देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे बटन तो उल्टे हो जाएंगे, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे बटन सीधे हो चुके हैं। आप इन दोनों तरीक़ों से अपने मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपका फ़ोन क्या है, आपका फ़ोन किस कंपनी का है और कौन सा सेट है, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियोज़ बना दूँगा।